एबीपीएस न्यूज सच का साथी। दिनांक 13 सितंबर की बीती रात को थाना रेहरा बाजार के अंतर्गत ग्राम जनकपुर के लोनिया डीह माजरा बैरिया सुजनपुर के निवासी उदय भान की पत्नी ने अपने पति की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। हत्या के कारणों की पूछताछ करने पर पता चला कि पति और पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीत राम ने अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब इस घटना की सूचना सीओ उतरौला मनोज कुमार यादव को हुआ तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने घटना स्थल की जानकारी ली और थाना प्रभारी राजीत राम से पूछने पर उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 37 वर्ष है और इसके पास 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इस घटना के बारे में सीओ उतरौला से पूछने पर उन्होंने बताया कि घटना की जांच चल रही है। इस घटना के बारे में मृतक के भाई हंसराज चौहान ने थाना रेहरा बाजार में तहरीर उसके पत्नी के खिलाफ दी है, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक राजीत राम ने कलयुगी महिला सरस्वती देवी को धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके उसे जेल भेज दिया गया है। घटना के बारे में अभी छानबीन चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एबीपीएस न्यूज से शैलेंद्र बाबू की जनपद बलरामपुर से एक रिपोर्ट। कई भाई हो बेटा? चार। का नाम है? शक्तिमान, अरमान, विक्रमन, राजा। चार भाई हो? अच्छा, बड़े भाई तुम्हारे क्या नाम है? कहाँ है वो? लुधियाना। तो तुम देखे जब ऐसी घटना हो रही थी? रेहरा थाने में बैरिया सुजनपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ रात में उदय भान चौहान उनके लगभग 35 वर्ष है, उनकी हत्या कर दी गई। उसमें जांच हो रही है, डेड बॉडी को रोटरी भेज दिया गया है और जांच के बाद स्पष्ट होगा उनकी हत्या कर सकती। इसमें पत्नी के ऊपर आरोप लग रहा है, इसमें क्या? अभी ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है, जिसमें जाँच होगी तभी स्पष्ट। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।